वेलकम आप सभी लोग का सिबी ट्रिक्स में स्वागत है। आज देखने वाले रॉन्ग नंबर आउट असंगत संख्या हम निकालने वाले। सबसे पहले क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 1, 3, 5, 9, 8, 11, 30। मैं आपको बता दूं जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है 6 क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन में अलग अलग आपको ट्रिक लगाना है। ऐसा नहीं एक ऐसा ही रॉन्ग नंबर आउट जब भी हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं फाइंड आउट करते हैं उसमें कोई भी ट्रिक अप्लीकेबल नहीं होता है। वो सिर्फ आपका माइंड का यूज करना होता है। आपके माइंड में नंबर्स कैलकुलेशंस माइंड में होने चाहिए, कौन सा हो सकता है, कौन सा डिफरेंट है नंबर, कौन सा अलग नंबर है, मीन्स सम संख्या कौन सा है, विषम संख्या कौन सा है, अभाज्य संख्या कौन सा है, वर्ग है या घन है, स्क्वायर, इवन, ऑड, ये सब आपके माइंड में चलना चाहिए, कैलकुलेट होना चाहिए। या कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, विवेचकता हो, मतलब जैसे 2 की कसौटी 3, 2 की 3 की 4 की 5 या 10 की, तो ये सब आपको माइंड में चलते रहना चाहिए। ये माइंड से समझ सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक ट्रिक बता दिए तो जितने भी क्वेश्चंस हैं सब आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो 9 आपको दिख रहा है, 9 एक ऐसा नंबर है जो स्क्वायर है, वर्ग है, किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है, मीन्स स्क्वायर है। तो सबसे अलग नंबर कौन सा दिख रहा है, सी, बाकी सब नंबर क्या है, किसी के भी स्क्वायर नहीं है। तो क्लियर, एक यहां पे नंबर 1 भी है, एक नंबर यहां पे 1 भी है, बट ऑप्शन आपको 1 गिवन है क्या, नहीं गिवन है, तो इसलिए आपको ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या राइट होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देते हैं, 3, 7, 11, 15, 17। तो यहां पे 3, 7, 11, 15, 17 पहला वाला हमने क्या देखा, स्क्वायर देखा हमने कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, तो इसके स्क्वायर रूट थे, वर्गमूल थे, बट ऑप्शन में 9 गिवन था इसलिए हमने 9 को करेक्ट किया, सी ऑप्शन को। अगर आपको 9 यहाँ पे 1 गिवन होता तो आपका आंसर क्या होता, 1 होता। बट सेकंड क्वेश्चन में डिफरेंट है, इसमें स्क्वायर और वर्ग यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो देखते देखो ये जो 15 दिख रहा है एक ऐसा नंबर जो मल्टीप्लीकेशन है, इसका फैक्टर हो सकता है 3, 5, 15, 5, 15, बाकी किसी नंबर का फैक्टर पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, वो सिर्फ 1 के टेबल में ही डिवाइड होंगे। तो आपका ऑड नंबर कौन सा, रॉन्ग नंबर कौन सा होगा, 15, ऑप्शन नंबर डी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 7, 26, 63, 124, 210। देखो अब यहाँ पे 7 है, 26, 63, 124, 210 दोनों क्वेश्चन को अलग हुआ, थर्ड क्वेश्चन भी क्या है, डिफरेंट है। देखते हैं 26 में फैक्टर होगा, यस होगा, 13 to 63 भी का फैक्टर होगा, 124 का ही फैक्टर पॉसिबल है, 210 का ही फैक्टर पॉसिबल है, सिर्फ इसका ही फैक्टर सिर्फ इसमें होगा, 7 होगा, बाकी किसी नंबर डिवाइड पॉसिबल है, नहीं है, उससे भी क्या है, विषम संख्या। तो आपको ऑप्शन क्या होगा, डी। फोर्थ तो देखते हैं, 24, 51, 33, 42, 72। अब देखो ये जो जितने नंबर्स गिवन है सब नंबर्स डिफरेंट है, ना तो किसी में स्क्वायर है, वर्ग है या क्यूब है, ना इवन है, ऑड देख सकते हैं हम लोग, बिकॉज इवन भी गिवन है और ऑड भी नंबर इसमें गिवन है, और लगा सकते हैं, लॉजिक लगा सकते, क्या लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 + 4 = 6, 5 + 1 = 6, 3 + 3 = 6, 4 + 2 = 6, 7 + 2 = 9। तो यहाँ पे क्या है, अगर जो भी नंबर्स गिवन उनको अगर ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो सब में क्या रहा है, 6 आ रहा है, बट डिफरेंट इसमें आ रहा है सिर्फ ये 72 में, तो आपका रॉन्ग 72। नेक्स्ट फिफ्थ, 14, 6, 8, 16, 20, 1। इसमें 14 क्या है, 2 के टेबल डिवाइड हो सकता है, 6 भी 2 के टेबल में, 8 भी 2 के टेबल में डिवाइड पॉसिबल है, 16 भी 2 के टेबल में डिवाइड पॉसिबल है, 21 पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल, तो इसलिए क्या आ पाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, 24, 27, 31, 33, 36। अब यहाँ पे कुछ आपको डिफरेंस दिख रहा है, 24, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27,
3 11 33, 3 multiplied by 12 36, मीन सब 3 के टेबल्स में आएंगे और 3 के टेबल में डिवाइड भी होंगे, बट 31 पॉसिबल है नहीं, तो आपका डिफरेंट नंबर क्या होगा, 31 होगा। तो हमने यहाँ पे 6 क्वेश्चन देखे, 6 क्वेश्चन क्या है, डिफरेंट लॉजिक से है। तो इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, उसके टेबल्स मालूम होने चाहिए, पहाड़ आपको आना चाहिए, वो कौन सा नंबर इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, और स्क्वायर क्यूब ये सब आपको मालूम होना चाहिए।